हाय एवरीवन, वेलकम टू पूजा लूथरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शरीर को आप जिस तरह से ढाल लेते हैं वो आपकी सेहत के लिए वैसा ही रिजल्ट तैयार करता है। आपकी दिनचर्या से, आपकी डेली रूटीन से आपकी हेल्थ पर बहुत असर पड़ता है। अच्छी दिनचर्या हो तो आपकी आयु यानी उम्र बढ़ती है। कई काम ऐसे होते हैं जिनको करने से आपका खाना जल्दी पचता है, तो कुछ काम करके आप बहुत ही परेशानी फील करते हैं। अक्सर हम खाने के बाद ऐसे ही काम करते हैं जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हैं। तो आइए जानते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद हमें क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, खाने के तुरंत बाद भूल कर भी किसी फल का सेवन ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको गैस और ब्लॉटिंग जैसी समस्या से जूझना पड़ सकता है। कई लोगों को खाना खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा आलस आता है, तो आपको इस समय नींद से बचना चाहिए। खाने के बाद तुरंत सोने से भोजन का डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है और मोटापा बढ़ने लगता है। अक्सर देखा गया है कि खाना खाने के बाद कई लोग स्मोकिंग का शौक रखते हैं, तो खाने के बाद स्मोकिंग करने से बहुत परेशानी हो सकती है। इससे कैंसर की संभावना कई गुना तक बढ़ जाती है, इसलिए खाने के बाद एकदम से स्मोकिंग ना करें। कई लोग चाय के शौकीन होते हैं, खाना ख़त्म किया और उसके 10 मिनट बाद वो चाय पी लेते हैं, तो ये आदत भी बुरी है। अगर आपको ये आदत है तो आपको खाने के पचने और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। सुबह नहाना सबके लिए लाभदायक है, आपकी हेल्थ इससे अच्छी होती है। नहाने का भी सही समय होता है, पर कई लोग खाने के तुरंत बाद नहा लेते हैं। ब्रेकफास्ट किया या लंच किया और नहाने चले गए। ऐसा करने से पेट के चारों तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। ये आपके लिए खतरनाक है। कई लोग कई बार ज़्यादा खा लेते हैं और खाने के बाद अपनी बेल्ट को ढीला कर देते हैं, ये आदत भी गलत है। इससे आपकी डाइजेशन पावर जो है वो कमज़ोर हो जाती है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ये बहुत बड़ा भ्रम है कि खाना खाकर तुरंत टहलना चाहिए, इससे पाचन क्रिया सही रहती है। दरअसल ये गलत है। खाना खाकर कुछ देर रुकना चाहिए और उसके बाद आपको सैर करनी चाहिए, उसके बाद आपको टहलना चाहिए। यदि आप खाना खाकर तुरंत टहलते हैं तो खाना आपके शरीर को ठीक से न्यूट्रिशन नहीं दे पाएगा। तो आप भी अवॉइड कीजिए खाना खाने के बाद ये सब हैबिट्स, और हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, लंबी उम्र तक जवान रहिए। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक के बटन पर ज़रूर हिट कीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। और जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन पर ज़रूर हिट करें ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके और आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सके। तो मैं आपसे मिलूँगी एक और अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।